सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू प्रिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। देर से आया दुल्हा तो कान कर दे दुल्हन, ऐसी सजा दी कि यकीन करना मुश्किल। शादी का महत्व हर देश में अलग होता है, वहीं यदि भारत की बात करें तो भारत में शादी को लेकर लड़का हो या लड़की, दोनों के दिलों में शादी के लिए उत्सुकता और कुछ रंग बिरंगे सपने होते हैं। हर कोई अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी पाने की कल्पना करता है। हमेशा एक लड़का हो या लड़की, वह यही चाहता है कि उसके जीवन में जो भी आए उसे बेहद प्यार करें और जीवन भर उसका साथ निभाए। शादी को लेकर अजीबोगरीब किस्से तो रोज सुनने को मिलते हैं। ऐसे ही एक अजीबोगरीब किस्से अभी हाल ही में सुनने को आया है, जहां दूल्हा 2 घंटे की देरी से बारात लेकर पहुंचा तो दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। जी हां, यह पूरी घटना मध्य प्रदेश की है, जहां एक लड़की ने दूल्हे के साथ शादी करने से इनकार कर दिया और बारात बिना दुल्हन ही वापिस लौट आई। ऐसी चंभे में डाल देने वाली घटना मध्य प्रदेश के पिटोल इलाके से सुनने में आई है, जहां झाबुआ के चरोली पाड़ा के रहने वाले नरेंद्र की शादी रेशमा से हुई थी, जो कि खेड़ी गांव की रहने वाली है। दूल्हे को बारात लेकर सोमवार को पहुंचना था, लेकिन सोमवार के बजाय बारात मंगलवार को लड़की वालों के यहां पहुंची, जिसके चलते लड़की वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया। लड़की वालों की नाराजगी इस हद तक ठीक है, उन्होंने लड़के वालों के समझाने पर भी शादी के लिए हाँ नहीं की। लड़के वालों ने बताया कि उनके पिता के निधन की वजह से वह बारात सोमवार को नहीं लेकर आए थे, लेकिन यह बात बताने के बाद भी लड़की वालों वाले किसी कीमत पर भी शादी के लिए नहीं माने। लड़के वालों ने लड़की वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लड़की वाले मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने कहा, अब शादी करने का क्या फ़ायदा, जब हमारे सारे रिश्तेदार जा चुके हैं, अब हमें कोई शादी नहीं करनी है। जबकि लड़के वालों के परिजनों ने लड़की के पिता को बता दिया था कि उसके पिताजी का निधन हो गया था। स्थिति को समझाने के बाद भी लड़की वालों ने शादी करने के लिए हामी नहीं भरी। जब लड़के के परिजनों द्वारा समझाने के बाद भी लड़की के परिजन नहीं माने, तब उन्होंने पुलिस का सहारा लिया और पुलिस को इतना बताया कि सारा मामला बताया। पुलिस ने सारा मामला सुनने के बाद लड़की वालों को समझाने की कोशिश की कि वे शादी के लिए राजी हो जाए, लेकिन लड़की वालों ने पुलिस वालों की बात नहीं मानी और शादी के लिए मना कर दिया। परिजनों के साथ साथ लड़की ने भी अपना बयान दिया कि लड़के से शादी मुझे नहीं करनी, उसने कहा मुझे शादी करनी ही नहीं है। पुलिस के समझाने पर भी जब लड़की के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं हुए, तब दूल्हे को बिना दुल्हन ही अपने घर वापस लौटना पड़ा। दोनों के बीच जो कुछ लेन देन हुआ था वह सब एक दूसरे को वापस लौटा दिया गया। हालांकि बाद में यह सामने आया कि लड़की नाबालिग थी, इसलिए पुलिस ने ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं किया, मामला को वहीं ठंडा कर दिया और दूल्हे को खाली हाथ अपने घर वापस लौटना पड़ा।